यूपी में अखिलेश के चाचा ने पकड़ी अलग राह। अब नए मिशन में जुटे शिवपाल यादव। सीएम योगी के साथ क्या अखिलेश की बढ़ाएंगे टेंशन? शिवपाल यादव, अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति का जर्रा भी पहचानते हैं तो फिर इस नाम से वाकिफ जरूर होंगे, क्योंकि प्रदेश की राजनीति का ये वो किरदार है जिसने कई बार अपनी सरकार बनाने के लिए राजनीति के ऐसे ऐसे धुरंधरों को धूल चटाई जिनका असल में राजनीति में कोई सानी नहीं था। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के संरक्षक और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई तो हैं ही, साथ ही समाजवादी पार्टी के वो कद्दावर नेता रहे हैं जिन पर आज भी हर समाजवादी को गर्व है। मुलायम सिंह यादव ने जब पार्टी का गठन किया और सरकार बनाने की कोशिशों में जुटे तो वो शिवपाल ही थे जो भाई के साथ साय की तरह हर जगह मौजूद रहे। जहां भी सरकार बनाने में कोई पेच फंसा तो उसे हल करने की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने न सिर्फ अपने कंधों पर ली बल्कि उस जिम्मेदारी पर खरा उतर कर भी दिखाया। वो कई बार समाजवादी सरकार के समय में अलग अलग मंत्रालयों में मंत्री रहे और आज मंत्री न होते हुए भी वो यादवों के खासकर बड़े नेता माने जाते हैं। हालांकि ढलती उम्र और बदलते राजनीतिक परिवेश के चलते शिवपाल का चार्म थोड़ा हल्का पड़ने लगा। समाजवादी पार्टी की बागडोर जब मुलायम सिंह यादव के बेटे और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हाथों में आई तो चाचा भतीजे की तलखियों की खबरें भी सामने आने लगी। अंदरखाने से ये पता चला कि कहीं ना कहीं शिवपाल को अखिलेश पार्टी में साइडलाइन कर रहे हैं। हालांकि दोनों पक्षों ने पहले तो कभी भी इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसने परिवार के अंदर की तस्वीरों को साफ कर दिया। सपा से अलगाव का सबसे बड़ा संदेश शिवपाल यादव की तरफ से तब दिया गया जब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का गठन किया। हालांकि 2022 के चुनाव में चाचा भतीजे साथ भी आए, शिवपाल ने अपनी पार्टी से न लड़के विधानसभा चुनाव सपा के टिकट पर लड़ा भी और जीता भी, लेकिन फिर कुछ समय बाद पता चला कि सपा की बड़ी बैठकों का न्योता तक शिवपाल यादव को नहीं दिया जाता, जिससे वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पार्टी के अन्य बड़े नेताओं से नाराज भी रहते हैं। अब शिवपाल यादव ने फिर अपनी राजनीतिक कुशलता दिखाते हुए एक बड़ा दांव खेलने की शुरुआत की है जिसमें उनका साथ देने के लिए आ गया है यूपी के जाने माने बाहुबली नेता डीपी यादव, जो कि पूर्वांचल के एक बड़े यादव नेता माने जाते रहे हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि शिवपाल यादव और डीपी यादव मिलकर ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिसे लेकर राजनीतिक विदों का कहना है कि इससे बीजेपी एसपी को बड़ा झटका लगने वाला है। शिवपाल यादव ने एक नए मिशन की घोषणा की है। इस मिशन का नाम है यदुकुल पुनर्जागरण मिशन। अब जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह मिशन कहीं ना कहीं यादवों को साधने के लिए है। ऐसे में इसमें शामिल होने वाले लोग, खासकर की नेता भी ज्यादातर वही होने जा रहे हैं जो यादव समाज से ताल्लुक रखते हैं। इसे शिवपाल यादव और डीपी यादव ने मिलकर आज यानी 1 सितंबर से लखनऊ में शुरू किया है। इसमें सम्मिलित होने के लिए सपा व अन्य दलों में अलग थलग पड़े तकरीबन 250 सपा नेताओं को बुलावा यानी इन्विटेशन भेजा गया है। इरादा है कि तमाम यादव नेताओं को एक मंच पर लाकर कुछ राजनीतिक बवंडर खड़ा किया जाए जिसके लिए शिवपाल यादव जाने भी जाते हैं। वैसे तो शिवपाल यादव का कहना है कि ये उनका कोई राजनीतिक कदम नहीं है बल्कि ये एक सामाजिक संगठन है जो कि यादव समुदाय के उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तमाम राजनीतिक विदों का मानना यह है कि भले ही शिवपाल यादव अपने मुंह से इस बात को ना कबूले लेकिन ये एक पॉलिटिकल स्टेप ही है। बताया यह भी जा रहा है कि इससे बीजेपी और समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि एक मंच पर तमाम यादव नेताओं के आ जाने से शिवपाल यादव और उनकी पार्टी एक साथ पूरे यादव वोट बैंक को साधने का जो प्रयास कर रही है उससे अन्य सभी बड़े दलों को नुकसान पहुंचेगा। शिवपाल यादव का ये कदम राजनीति में उनके कद को दोबारा कितना ऊपर उठाने में कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त और 2024 का लोकसभा चुनाव ही बताएगा। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।